हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जर्न इन नेचर व्लॉग्स के नए वीडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम डोसवाड़ा डैम देखने के लिए जा रहे हैं। डोसवाड़ा डैम वन डे पिकनिक के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। डोसवाड़ा डैम सूरत से 85 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम डोसवाड़ा डैम पहुंचने ही वाले हैं। डैम का पानी भी हमें दिखाई दे रहा है। सूरत से पहले आपको बारडोली आना होगा और बारडोली सोनगढ़ हाईवे पे आपको आगे बढ़ना होगा। बारडोली सोनगढ़ हाईवे पे एक किकाकुई नाम का गांव आता है, उसके थोड़े आगे ही जाकर आपको राइट टर्न ले लेना होगा। दोस्तों, अभी हम डोसवाड़ा डैम पहुंच चुके हैं। देखो, यहाँ से हमें डैम का पानी दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। नीला नीला अंबर और नीला नीला पानी इस नजारे को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। डैम में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे और इस डैम का खूबसूरत नजारा हम देखेंगे। देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत नजारा दिख रहा है। यहाँ आने के बाद आप सोनगढ़ फोर्ट भी देखने जा सकते हैं और गौमुख वाटरफॉल को भी देखने के लिए जा सकते हो। सोनगढ़ फोर्ट और गौमुख वाटरफॉल यहाँ के बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। इसी रास्ते पे हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर भी एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है। देखो, ये रही वो पहाड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे। उसके ऊपर जाने के लिए भी एक अलग सीढ़ी बनाई गई है। पहले हम नीचे का नजारा देख लेंगे, उसके बाद हम उस पहाड़ी के ऊपर जाएंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं प्रकृति की सुंदरता। इस डैम में आपको बहुत सारा पानी दिखाई देगा और पानी के उस पार छोटे बड़े आपको माउंटेन्स भी दिखेंगे। यहाँ पर जो
हवा की लहरें होती है वो पानी के साथ टकरा कर आती है। उसकी वजह से यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही ठंडा बन जाता है और आपको घूमने में बहुत ही मज़ा आएगा। अभी विंटर की सीज़न चल रही है, उसकी वजह से भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी ठंड लग रही है। अगर आप समर की यानी कि गर्मियों की मौसम में भी घूमने होगे तो भी आपको यहाँ पे ठंडे ठंडे पवन की लहरें महसूस होगी। सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उस पेड़ के नीचे बैठने के लिए चेयर भी रखी गई है। आपको इस रास्ते पर चलकर ही आना होगा, आप यहाँ पर अपने व्हीकल नहीं ला सकते हो। पेड़ के नीचे खड़े रहकर भी आप बहुत ही खूबसूरत नजारा देख सकते हो। आपको दूर दूर तक नीला नीला पानी दिखाई देगा। धीमी धीमी चल रही पानी की लहरें इस नजारे को और भी खूबसूरत बना रही है। आप देख सकते होंगे कि हमारी तरफ आने वाली पानी की लहरें कितनी खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी भी है जहाँ पर भी एक गार्डन डेवलप किया गया है। अभी हम वहाँ ऊपर जा रहे हैं। उस पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। ऊपर की ओर चलते चलते भी आपको इस डैम का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देगा। आपको यहाँ पर घूमने में बहुत ही मजा आएगा। देखो दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप सोनगढ़ हाईवे पे सोनगढ़ की ओर आगे बढ़ोगे तो आपको और कई टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं वैसे वैसे
नज़ारा और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पानी के साथ साथ हमें दूर दूर तक पहाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। अभी हमें यहां से इस डैम का फुल लुक दिखाई दे रहा है। अभी हम पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से आपको उस डैम का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पहाड़ी की दूसरी ओर भी आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। पहाड़ी के ऊपर आने के बाद आपको ऐसा लुक दिखाई देगा। पहाड़ी के ऊपर आने के बाद आपको डोसवाड़ा डैम का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखेगा। यहाँ आने के बाद घूमने के साथ साथ आपको फोटोग्राफी करने में भी बहुत मजा आएगा। पहाड़ी के ऊपर ऐसा छोटा रास्ता होगा जिन पर आपको संभल कर चलना होगा। अभी हम इस पहाड़ी के एकदम टॉप पर आ चुके हैं। पहाड़ी के ऊपर आने के बाद आपको डोसवाड़ा डैम का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये है डोसवाड़ा डैम का फुल व्यू जिसको हम आज यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। दोस्तों, ये जगह आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस लाते ही रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।